जी अगला सवाल है साथी पूछते हैं, कुर्बानी अकीका के लिए बकरी का बच्चा पाला गया था, लेकिन एक मर्तबा गलती से यानी उसने कुतिया का दूध पी लिया, तो अब उस बकरी के बच्चे का क्या हुक्म होगा? तो कुतिया हो गई वो, कुतिया तो हो नहीं गई है, भय तो बकरी ही ना, जी और मुद्दत गुजर गई है ना उसके, जी उसका असर भी खत्म हो गया होगा। कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेकर दवा करें, कबूल होगी कुर्बानी इंशाल्लाह। यहां पे शक कहां तक इम्कान पड़ता है शेख? कोई मतलब नहीं, ये बिला वजह की जो है वो जहालत है, कोई शक नहीं है यहां पर, कोई शक नहीं है। इसलिए कि वो क्या गोश्त का हिस्सा बनी हुई है, अभी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जानवरों को जो जानवर गलाजत खाया करते थे, आपने क्या फरमाया है, उन्हें बांध दो, है कि नहीं? फिर उसके बाद जो है उनके साथ, अगर बांधने का, ये इससे क्या दलील निकाल सकते हैं हम? एक दिन, दो इससे दिन, ये एक महीना, निकाल दो सकते हैं महीना कि हाँ ये देखा जाए कि असलन क्या उस चीज का असर उसके दूध में है। अब जाहिर बात वो दूध पी होगी, कभी छोटी रही होगी तो, है ना? अब वो जो है महीनों उस पर गुजर गए हैं, 4-6 महीने, तो उसका असर भी नहीं बाकी है। अरे मगर एक दो दिन अगर पहले ऐसा हुआ तो तब तो बड़ी होने का, हाँ उसको थोड़ा सा टाल दे 2-4 दिन भाई, जी या तो उसको जो है आजकल तो है नहीं, दवाएं, इस पे आजकल उसको दवाएं नहीं, पे नहीं नहीं ये तो चले, नहीं, बकरी नहीं उसके कोई दूध के नहीं, अलावा कोई और दूसरी भी चीज हो सकती है, कोई भी गोभी चीज भी बहुत ऐसी सारे खा चीज हो, सकते देखिए हैं। थोड़ी सी कोई ऐसी चीज खाए नापाक जिससे गंदगी, जिससे उसके गोश्त पर असर, बदबू वगैरह, इसलिए जो जो चीजें खाई जाती हैं उसका असर नहीं है, इंसान मुर्गी के दूध मिसाल के तौर, पर मुर्गी होता है है, जो सांप का बच्चा खा लेती है छोटी, तो तो उससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, इसके लिए एक दिन दो दिन ना ही शरीयत में उसका ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है, होता कितने दिन भाई। छोड़ा जाए या नहीं छोड़ना ये तो कोई अब जरूरी नहीं डॉक्टरों है। से पूछे कितने तक उसका असर रहेगा, कितने दिन उसका असर रह सकता है। 40 दिन तक छोड़ दें उसको, कोई बात नहीं, 40 दिन के बाद इंसान की पैदाइश में 40 दिन अल्लाह ताला ने रखा है ना, इसका मतलब एक वजह से दूसरी वजह तक इंसान पहुंच जाता है, तो उसकी जो कैफियत रही होगी वो जो है वो बदल जाएगी। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इसलाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं, याकूब अजीज 00966508959707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627622। नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे YouTube चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इतला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरुस्त मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।